देखिए, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो ये फैसला लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आरसीपी बाबू को बनाए जाने पर, और साथ में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को जो बनाया गया, इसमें काफी युवा वर्ग में काफी खुशी का माहौल है। और मुजफ्फरपुर जिला में हम लोग एक दूसरे को रंग अबीर गुलाब लगा करके, मिठाई बांट करके एक खुशी का माहौल और संदेश देना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है ये सर्व समाज में विश्वास रखती है और सबको लेकर चलती है, जात पात धर्म मजहब ऊपर, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के काम करती है। और हम बताना चाहते हैं आपको, जिस समय से उमेश कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, आज का जो सूरज और किरण दोनों उगने से पहले बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों के नेतृत्व में बदलने का काम होगा। और काफी मजबूती से हम लोग क्षेत्र में जाकर के अपने पार्टी के द्वारा जो भी विकास कार्य किया गया है उसको मुस्तैदी से रखना है और संगठन को मजबूत करना है, यही हमारा प्राथमिकता है। समाज को तोड़ने के लिए कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ऐसा मैसेज आ रही है। अच्छा, आप हमको बताते हैं, पहला बार कुशवाहा जी को अध्यक्ष बनाया गया है क्या? इसके पहले यूथ के युवा वर्ग में तब है कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, संतोष कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष थे। हमारी पार्टी जाति पार्टी पर विश्वास नहीं करती है, सामना समाज, सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर चलती है। उसका नाम बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी है, नाम से नहीं काम से जाने जाते हैं देश और विदेश में। माननीय श्री उमेश कुशवाहा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में हम लोग खुशी मना रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने ये सिद्ध कर दिए हैं कि क्या कहते हैं, युवाओं को मतलब ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सोचते हैं कि युवा ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और युवा ही हमारे बिहार को और देश के तकदीर को बदल सकते हैं। लोग झूठ मूठ का युवा पे ये कहते हैं कि भाई युवा है, हमारे नीतीश कुमार बाबू ने सिद्ध कर दिए हैं कि युवा पे ही विश्वास रखते हैं और युवा को ही मजबूत करने का सोच रखते हैं। इसलिए हम लोग में काफी उत्साह है कि युवा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, हम लोग उनके साथ हैं और मजबूती से उनके साथ बिहार में पार्टी को मजबूत करेंगे। मिथिलेश पासवान।